दोस्तों लेटेस्ट रूमर्स के मुताबिक ब्रॉक लेसनर जल्द ही WWE में रिटर्न करेंगे। WWE में ब्रॉक लेसनर की लास्ट अपीयरेंस पिछले साल समरस्लैम में कोडी रोड्स के खिलाफ मैच में थी। उस मैच से पहले कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर ने एक दूसरे के खिलाफ एक मैच जीता था और ये फ्यूड का फाइनल मैच था। उनका पहला मैच पिछले साल WWE बैकलैश में था जिसमें कोडी रोड्स ने जीता था। फिर उनका सेकंड मैच नाइट ऑफ चैंपियंस में था जिसे लेसनर ने जीता था। समरस्लैम का फाइनल मैच कोडी रोड्स ने जीता था और मैच के बाद ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स से हाथ मिलाया जिससे राइवलरी एंड हो गई। फिर ब्रॉक लेसनर को हिस्सा के रॉयल रंबल में रिटर्न करनी थी लेकिन फॉर्मर WWE एम्प्लॉय जॉन ग्रैंड द्वारा लॉसी फायर करने के कारण ऐसा नहीं हो सका। इसके चलते रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर की जगह ब्रॉन ब्रेकर को ले लिया गया। इसके बाद WWE ने ब्रॉक लेसनर को अपने लेटेस्ट 2K24 गेम से हटा दिया और उन्हें एक्टिव रोस्टर लिस्ट से भी रिमूव किया। उस वक्त कई फैंस को लगा था कि ब्रॉक लेसनर कभी WWE में वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन रेसलमेनिया 40 की नाइट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रिपल एच ने कहा कि ब्रॉक लेसनर अभी भी WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर है और वह गए नहीं है। ट्रिपल एच ने यह भी कहा कि वह यही नहीं बता सकते कि ब्रॉक लेसनर कब वापसी करेंगे, लेकिन वह सिर्फ इतना कहना चाहते कि लेसनर अभी भी WWE के साथ है। रेसलिंग ऑब्जर्वर वेबसाइट ने बताया कि ब्रॉक लेसनर की रिटर्न की दो पॉसिबिलिटीज है। पहला ये है कि वह वापसी करेंगे और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए डेमियन प्रेस को चुनौती देंगे। दूसरा ये है कि ब्रॉक लेसनर वापस आएगा और गुंथर को चुनौती देगा। तो दोस्तों आप इस रूमर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।